श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी के बीच में बहस होता है बहुत ज्यादा। श्री राम भगवान बोलते हैं कि सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, और जैसे ये बात सुनते लक्ष्मण जी वो भड़क जाते हैं। उन्हें बहुत तेज गुस्सा अपने बड़े भाई श्री राम जी पर आता है। वो कहते हैं कि ये आप भैया क्या बोल रहे कि मैं सीता माता के लिए अग्नि के इंतजाम करूँ, ये कैसे हो सकता है, आप ये कैसे बोल सकते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं। कहते हैं कि मैं तो आपसे विद्रोह कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी माँ है, उस वजह से मैं उनका पुत्र भी लगता हूँ और मैं आपके साथ विद्रोह भी कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी भाभी माँ के चरित्र पर जरा भी उंगली उठाया, आपके लिए वो इतना ज़्यादा परेशान हुई, 14 साल इतना कुछ झेला और उसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो। लक्ष्मण जी श्री राम जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और श्री राम भगवान भी इनके ऊपर चीखने लगते हैं कि तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम्हें मैं कथा सुनाता हूँ कि जब रावण उन्हें लेने आया था सीता माता को, तो उससे पहले मुझे पता चल गया था और मैंने अग्नि देवता को बुलाया था और मैंने सीता जी को सुरक्षित उनके पास रख दिया था ताकि रावण के पास असली सीता जी ना जा सके। और ये बात सीता जी को भी पता थी कि मुझे अग्नि देव के पास जाना है। ये तो एक लीला थी, क्योंकि हमें रावण का वध करना था, राक्षसों का वध करना था, इस वजह से ये लीला रची गई थी। और फिर अग्नि देवता आते हैं और वो आकर सीता माता के असली रूप को ले जाते हैं। यही बात लक्ष्मण जी को श्री राम भगवान जी समझा रहे थे कि मैं कोई सीता माता का अग्नि परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो जो सीता को मैंने पहले भेज दिया था अग्नि देवता के पास, उसे मुझे वापस अपने पास बुलाना है। तो तब जाके उन्हें पता चलता है लक्ष्मण जी को कि सीता माता का कोई अग्नि परीक्षा नहीं होने वाला। मगर सबको यही लगता है कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिया था। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट